जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 16 अक्टूबर के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सेशन को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को तुर्कों ने अर्जे विहार कहा था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो निम्न में से किस शहर को तुर्कों ने अर्जे विहार कहा था, तो ये बिहार शरीफ को कहा था। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सिखों के दसवें एक आखिरी गुरु कौन थे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, सिखों के दसवें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, याद रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपसे पूछ सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए, इनमें से सरकार का अंग है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के अंग है। लेकिन ऑप्शन सी जो है प्रसार माध्यम, ये सरकार के अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे। चलिए, तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे, तो लाला हरदयाल फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं लाइव चैट में बिल्कुल सही जवाब है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए आप सभी जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे नील कर लेंगे, नील नदी है। इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है, तो नील नदी का उद्गम स्थान जो है विक्टोरिया झील है। और यह कहाँ पर जाकर गिरती है, तो भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 6690 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही वीडियो डेली मिलते रहे। तो देखिए, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था, तो जो ही बच्चे 1564 को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। शक राजा को युद्ध में किसने हराया था, चलिए आंसर बताएंगे। चलिए, तो देखिए, शक राजा को युद्ध में किसने हराया था, तो ये हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। और याद रखिएगा, इसी के शासनकाल में फायान भारत आया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। मेगास्थनेज किसके दरबार में आया था, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मेगास्थनीज जो है ये किसके दरबार में भारत आए थे, तो सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ध्यान रखना है, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, पूछा जाता है इंडिका, याद रखना है। तो इंडिका किनकी पुस्तक है, तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। फायान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। एक पूछा जाता है ह्वेनसांग, ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र पूछा जाता है कौन था, तो बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र कौन हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, ध्यान रखना है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, इसका सही जवाब है 160 किलोमीटर स्वेज नहर की कुल लंबाई है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही
का जितना भी क्लास कराया जाता है सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली 7:30 बजे और रात 8 बजे लाइव चैट के साथ बिहार मद निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुशवंत सिंह है। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये हो जाएगा सुक्रोज, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है, और फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछ सकता है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो ये गया में है, और ये किस शैली में बना है, तो ये आपका हो जाएगा नागर शैली में बना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है, टाइम्स अप। तो देखिए एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता है रवि कीर्ति। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखें। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं, तो कुमाऊँ हिमालय, डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण जो है ये संविधान के आर्टिकल 23 से संबंधित है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है, और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो विद्युत धारिता का मात्रक आप सभी जानते हैं क्या होता है, तो यह फैराडे होता है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है क्या, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको खासकर ध्यान रखें। यहाँ से आपको 3 प्रश्नों को याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट पूछे तो 1973 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, और एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 का है। तो 3 प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी, तो देखिए पांडिचेरी की संधि जो है ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है रमेश चंद्र दत्त, 1 नंबर का प्रश्न है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, चलिए तो देखिए दूध जो है ये इमल्सन का उदाहरण है यानी कि पायस का, डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है, चलिए तो देखिए सुपीरियर झील जो है ये अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है, सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। GDP का आंकड़ा कौन जारी करता है, और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए थे। तो GDP का आंकड़ा कौन जारी करता है, तो ये NSSO जारी करता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है,
चलिए आंसर बताएंगे, तो कौन सा पौधा है, ये हो जाएगा धान, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे, तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, तो ये बोला जाता है हेनरी विवियन डेरिजियो को, सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? चलिए आंसर करते जाएंगे, तो फ्रेंड्स देखिए आपको याद होगा कि तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और पूछा जा रहा है कि कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे, तो सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना उपस्थित नहीं थे, बाकी तीनों उपस्थित थे, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो पंचायती राज समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी शिक्षा, वन, परिवार नियोजन ये सभी आते हैं। जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न पर आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छपने वाला प्रश्न है। जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? तो देखिए दर्पण तो होगा नहीं, तो बचा उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो ये करता है किसके भांति, तो याद रखना है अवतल लेंस के भांति कार्य करता है, यानी व्यवहार करता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, देखिए इस प्रश्न में चार प्रश्न हैं और आपको चारों को ध्यान रखना है। तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू व कान्हू थे, बिल्कुल सही जवाब है। रामोसी विद्रोह चितर सिंह, ये भी सही है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, ये भी सही है, लेकिन पगलपंथी विद्रोह के नेता ये नहीं थे, तो कौन थे, तो करम शाह, यहाँ पर लिख देते हैं करम शाह, ये पगलपंथी विद्रोह के नेता थे, ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी इन चारों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पीटक की रचना की गई? चलिए आंसर बताएंगे, सिलेक्टेड प्रश्न है। तो किस बौद्ध संगति के दौरान, तो याद रखना है ये तृतीय बौद्ध संगति के दौरान, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो ये कहाँ हुआ था, तो राजगृह में, किसके शासनकाल में, तो अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर, तो ये वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, आप सभी जानते हैं अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में, याद रखना है कनिष्क के शासनकाल में। तो सही जवाब हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है? एकदम छपने वाला प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है, तो ये है कौन सी नदी, कांगो नदी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा से। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो देखिए चश्मे के लेंस जो है ये किस कांच से बनाए जाते हैं, तो क्रूक्स कांच से, सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? सोच समझ कर आंसर देना है। तो देखिए महावीर का संबंध वैशाली से है, चंपा से है, पावापुरी से है, लेकिन लुम्बिनी से नहीं है। लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में है, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें भी चार प्रश्न है और आपको चारों ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है वंश और इसकी राजधानी है, तो इसमें
चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो महुआ बिल्कुल सही है। सोलंकी वंश का अनिलवाड़ा ये भी सही है। प्रतिहार का कन्नौज, लेकिन कलचुरी का अजमेर नहीं होगा, तो डी जो है ये सुमेलित नहीं है। मोरेड़ा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे, तो मोरेड़ा का सूर्य मंदिर जो है ये गुजरात में स्थित है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी चार प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखना है। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 बिल्कुल सही है। दीन ए इलाही 1582, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए महजरनामा 1578 नहीं होगा, 1579 होगा, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 ये सभी सही है। इन चारों प्रश्नों को ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है? चलिए आंसर बताएंगे, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है तो ये पेशी में। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण करना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? चलिए आंसर बताएंगे, तो कौन सा ऐसा पौधा है तो याद रखना है ये है चीड़ वृक्ष, डी ऑप्शन सही जवाब है। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? चलिए तो देखिए कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? चलिए आंसर करते जाएंगे, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है तो ये कौन है याद रखना है पौधे हैं। निम्नलिखित में से क्या कौन सा पादप हार्मोन है? चलिए तो इन चारों ऑप्शन में से ऑक्सिन जो है ये पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? चलिए तो पादप कोशिका में पाया जाता है क्या, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लवक पाया जाता है, सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में, और ये गांधी जी और किसके बीच था तो सही जवाब है जुल्फिकार अली भुट्टो। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है जेसी कुमारप्पा, सी ऑप्शन सही जवाब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? चलिए आंसर करते जाएंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी कि द सिटी ऑफ प्लेसेस के रूप में जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है तो ये जाना जाता है कोलकाता को, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है तो ये हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? चलिए तो देखिए बौद्ध धर्म की स्थापना जो है ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में, सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।